सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी, माता रानी सदैव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी भी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद है तो इन्हें तुरंत सुधार ले, वरना ये आपको कंगाल कर सकती है, आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करते, पर जो सच है वो सच है। दोस्तों कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती है। यदि हमें इनके बारे में पहले से पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं अपार धन और सुख शांति, तो बताई जाने वाली बातों का ध्यान अपने घर में जरूर रखें। ऐसा करने से कभी भी दरिद्रता और गरीबी नहीं आती। तो चलिए जानते हैं कि किन कामों को ना करने से आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती, और जो आती भी है वो दरवाजे से ही लौट जाती है। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिए या सर के नीचे या बेड के सामने या पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और तकिया होना चाहिए। अत्यधिक गहरे व चमकीले रंग वाली चादर या तकिए के कवर भी लक्ष्मी जी को नाराज करते हैं, और ऐसी चादर पर सोने वाले व्यक्ति पर नकारात्मकता बहुत ही जल्दी असर करती है। ऐसे व्यक्ति के हर कार्य में उसे असफलता हाथ लगने लगती है। इसीलिए आपको अपने घर की चादर बहुत ही ज्यादा तड़कते भड़कते या चमकीले रंग की नहीं लगानी चाहिए। इसीलिए इसका भी आप ध्यान जरूर रखें। अगर आपके बेड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो ये भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई भी चीज बेड पर रखकर ना सोएं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। दोस्तों जिन लोगों की मृत्यु घर में हो जाती है, हम अक्सर उनकी फोटो उनकी तस्वीर घर में लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर मंदिर ना हो, और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फोटो आपको लगानी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। वास्तु का एक पहलू ये भी है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में हिंसक जानवरों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, और किसी युद्ध की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती, ये वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाता। दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकता है। इससे पति कंगाल भी हो सकता है, यहाँ तक के पति की मृत्यु भी जल्द हो जाती है। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल से उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियाँ ही खुशियाँ फैले। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों की बजाय दुख आने लगते हैं। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च नहीं देनी चाहिए, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को अगर आप मिर्च देते हैं तो इससे उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप अपनी बेटी को लाल रंग का फल दें, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है अगर बेटी मायके से ससुराल फल या मेवे लेकर जाए। कुछ लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। चूल्हा देने से माना जाता है कि वो अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर ले। चूल्हे की बजाय आप डिनर सेट या फिर अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों बेटी को भूल कर भी धारदार चीज नहीं देनी चाहिए।
इसका मतलब होता है कि आप उसे उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रही हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार नहीं देना चाहिए। अचार देने से उसके रिश्तों में खटास आती है, जबकि आप उसे खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि आपको अपनी पत्नी के मायके में यानी अपने ससुराल में वो मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और आप वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, या अगर महिलाओं को यानी पत्नियों को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं, तो आप ये बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वो मान सम्मान, वो आदर सत्कार आपके मायके में मिलने लगेगा जिसके वो हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उनका आदर करें और उन्हें मान सम्मान दें, खासकर मायके में यानी कि पत्नियों के मायके में पति की इज्जत हो। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक बेहद सरल उपाय के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना चाहिए और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण भी डाल देना चाहिए और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए उस जल को पी लेना चाहिए। आप चाहे तो पानी में अपने सोने या चांदी की अंगूठी भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। आपके ससुराल में भी आपका मान बढ़ेगा। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वो भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वो पानी घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगाता है यानी कि झूठा आरोप लगाता है तो वो भी सिद्ध नहीं होता। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए और धन संबंधित समस्याओं के लिए, या आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है या आपका कारोबार सही नहीं चल रहा है, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा मिक्स करके जरूर डालें। वहीं आपको बाजरा शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए और शनिवार से आप ये प्रक्रिया शुरू करें। ऐसा करने से बहुत ही आपको नाम मिलता है, मान सम्मान समाज में मिलता है, साथ ही धन संबंधित समस्याएं भी दूर होती है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।